तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एंजल व्लॉग्स। पिछले वीडियो सब में आप देख चुके हैं कि हम लोगों ने कैसे कृष्णा का जन्माष्टमी मनाया और कैसे क्या किए हैं। आप लोग ब्लॉग सब में देख लीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां जाकर देख सकते हैं। और ऐसे भी मेरा चैनल खोल के आप ऑल वीडियो सब में देख चुके हैं और देखे भी होंगे आप लोग। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में देखिएगा कि हम लोग कैसे फूलों की होली खेले थे भागवत में और बाबा जी साथ सेल्फी लिए थे और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो ब्लॉग पर बने रहिए, ये ब्लॉग सबसे अच्छा लगेगा। और इधर मेरा छोटे से बैठा हुआ है जो हुलक रहा है पीछे पीछे से कभी कभी, तो अच्छा तो हुलक जाओ, देख लो इधर। तो वही तो ब्लॉग पर बने रहिए, देखिए। अच्छा तो कमेंट करके बताइए कि ये ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ऐसे ब्लॉग और आप ज़रूर दे सकें, देख सकें। मैया यशोदा लाल आदरण की बधाई हो तो आप सबको बोलना है। जब हम बोलेंगे नंद बाबा लाल आदरण की बधाई हो तो भैया लोग वाल वाल बोलेंगे, ठीक है। तो पहले लेडीज फर्स्ट, पहले आप लोग बोलना, जोर से बोलना, फिर हम लोग बोलेंगे। मैया यशोदा लाल आदरण की बधाई हो। मैया यशोदा लाल आदरण की बधाई हो। एक बार भैया लोग तुम मत बोलियो, भैया सब बोलेंगे जितने भी बैठे यहाँ वहाँ जितने, सब जोर से बोलते हैं बाबा लाला जन्म की बधाई हो। जीत गए थे जीत गए, चल रही है और सबको दान दिया, और ऐसा दान नहीं दिया मगर पूछ पूछ के दान दिया। और उसके बाद कहते हैं छह दिन तक उत्सव चला रहा है। नंद बाबा को याद आई है कि छोटे राजा हैं कंस, बड़े राजा हैं कंस, को करके सामग्री ले रहे हैं, कंस को करके सामग्री लेकर पहुंचे वो मंडली का सरदार। अब सब जाते हैं अपने घरों में चोरी करी, और जब सुबह सब मिले, अब देखो सबकी हालत कैसे, कोई अभी टांग पकड़ के चल रहा, कोई कमर पकड़ के चल रहा, कोई कोई गाल पकड़ के चल रहा, कोई माथा पकड़ के चल रहा, कोई बाल पकड़ के चल रहा। पता है क्यों? क्योंकि जब सबने अपने घरों में चोरी करी, सच बताओ जितनी माँ बैठे हैं, अगर तुम्हारा लड़का घर में चोरी करेगा तो मार खाएगा कि नहीं खाएगा? अब सबने अपने अपने घरों में चोरी करी, तो कहो कि मैया ने देख लियो कि चोरी कर रहे, तो बाल हमारा बाल पकड़ के चक्री से घुमाया, तो बाप बोल देहला इस तन अपने दिनों में जहर उतना को देख कर कृष्ण ने अपनी आंखों को बंद कर दिया। कृष्ण ने अपनी आंखों को बंद किया, अलग अलग संतों ने अपने अलग अलग बंद किया। एक संत बोले भूतनाथ को देख कर कृष्ण ने अपनी आंखों को बंद क्यों किया, बोले इसलिए किया ना कृष्ण भी
2000 years later. The next day. आप लोगों ने कैसे आरती भी, उसके बाद फिर तो आज का था शाम को उसी प्रकार भागवत प्रसंग के बाद तो प्रसाद वितरण हो जाने के बाद हम लोगों को जाना था बाबा को छोड़ने के लिए, और उसकी ट्रेन थी 12:30 बजे लगभग ट्रेन थी भागलपुर में। तो हम लोग यहाँ से भागलपुर लगभग ऐसे कुछ 90-100 किलोमीटर होगी, तो सामान था तो एक आदमी में सामान स्पेशली पिकअप थी उसमें हम लोगों ने, तो उसमें सामान को लोड किया उसके बाद निकल के भागलपुर के लिए। तो चलिए चलते हैं भागलपुर। तो हम लोग करीब 9 बजे निकले थे अपने गांव से 11 बजे से, और वहां पहुंचा 11 बजे भागलपुर। तो और ट्रेन लगभग थी 12:20 या कुछ ऐसे, तो अभी कुछ समय था तो हम लोगों ने सारा सामान को अनलोड किया और फिर रेलवे स्टेशन में अंदर में, और ट्रेन आने वाली थी। पहले हम लोग को बताया गया कि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने वाली है, तो हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर सारे सामान को रख दिया। फिर बाद में पता चलता है कि नहीं वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी, तब फिर हम लोग उतना तक सामान सारा सामान को लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आए। तब ट्रेन आ चुकी थी, फटाफट लोड किया और फिर देखिए भोजन सबका। चलो ताकि ऐसे ब्लॉग आप देख नहीं।